वेलकम गाइस, आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखते ही देखते ये आधा महीना आप लोगों की जिंदगी में से जा चुका है। कैसा रहा ये आधा महीना और कैसे आप लोग आगे लेकर चलना चाहते हैं जिंदगी को, इसके बारे में आप लोग जरूर बताएगा। और मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपने दिन को एंजॉय कर रहे हो और पूरी इफिशियंसी के साथ में, उन्हें कहते हैं कि अपने दिन को चूस ले रहे हो, इतने अच्छे से आप लोग अपना काम कर रहे हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अपने बारे में थोड़ा सोचो यार, अगर अभी नहीं सोचोगे तो फिर कब सोचोगे। ठीक है, अभी आप लोगों के सारे पेपर भी पास में आ रहे हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा जो यूपीपीसीएस का भी आप लोगों का फॉर्म आ चुका है, एक बच्चे के द्वारा बोला कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दो। यार यूपीपीसीएस के ऊपर देखो, अगर आप लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, या फिर आप लोग मान लीजिए राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी, या उत्तराखंड पीसीएस की, या फिर किसी भी पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए सीधा सीधा फंडा ये, अपनी तैयारी जो है यूपीएससी के लेवल की लेकर चलो। ठीक है, उससे बहुत अच्छे लेवल पर आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी और मैक्सिमम लोग आप लोगों को वही देखने को मिलेंगे जो स्टेट पीसीएस निकाल रहे हैं ना, उसने कभी ना कभी यूपीएससी की तैयारी की है। ठीक है, तो वो उस लेवल पर पहुंच गए हैं, फिर क्या होता है वो चीजें जो है छोटी लगने लगती है। सोचा होगा ना आप लोगों ने, नॉर्मली सुना भी होगा कि आसमान की राह देखो, कहीं ना कहीं अगर गिरोगे भी तो पेड़ पर तो लटक ही जाओगे। यानी कि गोल अपने ऊंचे बनाओ, एक जिंदगी में कहीं ना कहीं आप लोग जरूर टिकी जाओगे आखिर एक अच्छी पोजीशन पर, तो हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए। तो यूपीएससी के पैटर्न में अपनी पढ़ाई करते रहो अच्छे से, और बाकी थोड़ा सा लोकल एरिया पर अपना फोकस रखो। ठीक है, जैसे लोकल जो लोकल आप लोगों की जो हिस्ट्री हो गई, लोकल जो ज्योग्राफी हो गई, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना साइड में ब्रश करते रहो, तो वो चीजें आप लोग कर सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन करंट या फिर जो भी स्टडी पोर्शन है उनको आप लोग अच्छे लेवल पर तैयार करो, तो ये आप लोगों के लिए काफी एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो कम्प्लीटली उसी स्टेट के ही पीछे पड़े हुए कम्प्लीटली। ठीक है, और जब इंटरव्यू में भी जाओगे वो चीज वहां पर भी आप लोग की झलकेगी, तो ये हर एक स्टेट पीसीएस के लिए आप लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये बात आप लोग की समझ में अच्छे से आई होगी। ठीक है, बाकी बताना कैसा रहा आज का आप लोगों का दिन और कैसे चीजों को आप लोग लेकर चलना चाहते हैं। तो काफी शानदार चीजें हैं, आइए सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं। बोला गया, बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। देखिए जिंदगी में ना आप लोगों को बहुत सारी असफलताएं मिलेंगी। कोई भी इंसान अगर किसी पोजीशन पर बैठा है ना, वो हजारों बार असफल हुआ है। अगर मैं आप लोगों को एपीजे अब्दुल कलाम सर का उदाहरण देकर बोलूं तो वो भी कई बार असफल हुए हैं, उसके बाद में जाकर उनको अपनी पोजीशन मिली है। किसी भी इंसान के बारे में अगर आप लोग उठाकर देख लोगे, उनका बचपन रहा होगा बड़ा ही बुरा, या फिर जिंदगी में कोई बड़ी ठेस लगी होगी जिसके चलते इंसान जो है उसने जिंदगी में कुछ करने की ठानी होगी, तो हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई दिक्कत आती है। अब आप लोगों के पास में दो तरीके हैं, या तो उस काम को छोड़ दो, ठीक है, उस काम को छोड़ दो, किसी दूसरे काम में जाओ जिस काम तुमको लगता है बहुत अच्छे से कर सकते हो, या तो आप लोग ये काम कर सकते हो। दूसरा यह है कि हाँ है कि एक बार कि हाँ चलो कोई नहीं यार ये चीज ऐसी थी तो ट्राई करते हैं फिर से। यानी कई सारे लोग जो होते हैं वो गलत चीज में आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, किसी ने बोल दिया कुछ और करने बैठ गए। ठीक है, मतलब मन तो है इंजीनियरिंग करने का, किसी ने बोल दिया कि चलो यार एक तरीके से यूपीएससी में घुस जाओ, और बेसिकली इंजीनियरिंग वहां पर यूज हो जाती है, उसका इंजीनियरिंग में ही मन है, उसका जाने के से मन ही नहीं है उसका बेसिकली सिविल सर्विसेज में। अगर उसको जाना भी है तो वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाएगा आईएएस में, पर लेकिन उसको भेज दिया आईएएस में, उसका मन नहीं लग रहा पढ़ने में। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारी चीजें उसको मजा ही नहीं आ रहा, वो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट एंजॉय करता है, तो ये गलत ट्रैक पे आ गया बंदा। ठीक है, पर लेकिन देख करके यार आईएएस बड़ी रॉयल जॉब होती है उसको कर लेते हैं, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के अंदर से फीलिंग आनी चाहिए उस काम को करने की, क्योंकि वो एक दिन का काम नहीं है यार, वो एक लंबा प्रोसीजर है, तो लंबे प्रोसीजर में आप लोगों को टिक कर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जिंदगी में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। और कई बार आप लोगों को लगता है कि आप लोग फेल हो रहे हो, तो अपनी चीजों में देखिए कहां पर गलतियां हो रही हैं, उस गलतियों को सुधार कर आप लोगों को आगे बढ़ना है, तभी चीजों को आप लोग अचीव कर पाओगे। तो बार बार असफल होने पर भी उत्साह में खोना ही सफलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो आई होप कि लाइफ में आप लोग इसको इंप्लीमेंट करोगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में शानदार तरीके से एंजॉय करना है होली भी और होलिका दहन भी, दोनों अच्छे से एंजॉय करना, कंटीन्यूअस आप लोगों को लगातार दो दिन देखने को मिलेंगे, और इसी को अच्छे से आप लोगों को एंजॉय करना है। और कलर कोशिश करना कि अच्छे कलर यूज करो, और अगर कलर न मिले तो हल्दी भी यूज कर सकते हो। हल्दी से क्या फायदा होगा, कलर का कलर लग जाएगा, गुलाल का गुलाल, और ऊपर से जो है हल्दी से वो नहीं कहते चेहरे पर, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कई सारी क्रीम आती है बोलती है हल्दी है इसमें, तो हल्दी और चंदन का लेप भी लगाया जाता है, तो वैसे भी स्किन अच्छी करेगा, तो ये भी एक तरीका है, हल्दी यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी और कोई सुझाव आप लोगों के मन में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर होली की तो कम से कम छुट्टी कर लो, स्टडी लवर फैमिली में छुट्टी नाम का वर्ड यूज मत किया करो। ठीक है, छुट्टी जो होती है वो बच्चों की हुआ करती है, आप लोग कॉम्पिटिशन के माहौल में बैठे हो, करने को तो मैं कर दूंगा, दो दिन आराम से बैठूंगा, जिंदगी को एंजॉय करूंगा।
ठीक है, पर लेकिन एक जो कॉन्टिन्यूटी है ना, वो कहते हैं थोड़ा खाओ एक तरीके से, थोड़ा काम करो पर अच्छा करो, यानी कि ऐसा है कि काम करो, कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी चाहिए कि बिल्कुल आज के दिन कुछ करा ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग एक्सरसाइज करनी है, आप लोग ताबड़तोड़ एक्सरसाइज करते हो डेली 2 घंटे की, अरे कम से कम 15 मिनट ही कर लो यार, ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ेगा, इतना काम जरूर करो, सेहत को अपनी फिट रखे जरूर। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, आंखों को जरूर बचा के रखना कलर का, तो दिक्कत हो जाएगी। और अच्छे से एंजॉय करना है, फेस्टिवल है तो शानदार तरीके से एंजॉय कर सकते हो। और जो सर्दियों में नहाया नहीं है पूरी, वो अच्छे से नहा भी लेना, अच्छा मौका है नहाने का पूरे सर्दियों में जिसने नहाया नहीं है। हालांकि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई यार, 1-2 दिन में ही ऐसा लग रहा है कि अलग ही माहौल बन गया बिल्कुल, ठीक है, तो काफी कुछ है। तो आइए लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा छोटा रहने वाला है, टाइम नहीं मिल पाया मुझे ज्यादा लगाने का, थोड़ा सा काम भी था, ठीक है, तो उसकी वजह से, पर लेकिन जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही शानदार डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होगा, उस तरीके से डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। पहले आप लोगों को मैं क्विज बता देता हूँ यहाँ पर, जिसमें कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर देखना है अच्छे से, ठीक है। बात की जा रही है अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के द्वारा अभी क्या किया गया, मोस्को यानी कि रशिया के खिलाफ केस खोल दिया, और केस भी आज का नहीं है, बहुत पुराना है, 2014 का, ठीक है। एक फ्लाइट थी जिसका नाम था यहाँ पर MH17, बहुत ज्यादा न्यूज में थी उस टाइम पर, इस फ्लाइट को मार गिराया गया था। तो ये किस कंट्री की फ्लाइट थी जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी, और जो दोस्तक वाला रीजन है यहाँ पर, ये इस रीजन में घटना देखने को मिली थी, और ये उसी टाइम की बात है जब यूक्रेन को बेसिकली जो क्रीमिया वाला रीजन है वो रशिया ने हटाया था। तो पूरी कहानी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसके साथ में आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट यहां पर जो होगा ये ICAO क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। देखिए यहां पर आप पहले तो मैं बताऊंगा ये केस क्यों चला, ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों को यहां पर दूसरा जो टॉपिक कवर करूंगा वो क्रीमिया वाला पूरा जो क्यों हड़पा गया था रशिया के द्वारा, और तीसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहां पर तीन टॉपिक आप लोगों की कवर हो जाएंगे इस एक न्यूज के अंदर में, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है, उनके द्वारा एक अच्छा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसमें काम किया जा रहा है हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन का जो फ्यूल यूज किया जा रहा है, तो ये मोस्ट एडवांस हमारी कंट्री में एक सिस्टम भी लॉन्च किया जा रहा है, और यहां पर ये क्या है FCEV, इसके बारे में आप लोगों को बताने हैं, तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड जो वाटरवेज है उसके द्वारा अभी एक लैंडमार्क एक अचीव किया गया, जिसमें MV राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम पर एक जहाज उनके द्वारा बेसिकली अभी छोड़ा गया है, जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट है, और किस रिवर में यहां पर ये चलेगा इसके बारे में बात करेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जी से रिलेटेड मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन द हिस्ट्री आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी उनके द्वारा आर्य समाज जो है वो ज्वाइन किया गया था 1875 में, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था ये आप लोगों को बताना है। HRA का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये यहाँ पर चीफ फाउंडर थे यहाँ पर उसके साथ में मिलकर, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जो कि बिस्मिल जी के साथ में मिलकर यहाँ पर काम किया गया इसके द्वारा। इसी के साथ में बिस्मिल जी और इसी के साथ में चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खां का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काकोरी कांड आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ठीक है, तो ये जो बेसिकली लखनऊ के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका अभी नाम भी चेंज किया गया था जब यहाँ पर योगी जी के द्वारा मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया था, तो याद आ रहा है क्या किया गया था, चलिए बताइए देखता हूँ कौन कौन बताता है। अब यहाँ पर ये बताना है आप लोगों को किस टाइम यानी किस ईयर में ये काकोरी इंसिडेंट देखने को मिला था, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। और फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे SLV फैमिली को, और इसी के साथ में आप लोगों के परिवार को भी, उनको भी घर पे ही बोल देना, मम्मी पापा को, दादा दादी को, मेरी तरफ से भी कि मतलब SLV परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से उनको बोल देना, ठीक है, इस तरीके से बोल देना घर पे, मतलब एक तरीके से मेरी साइड से भी, ओके, अपने अपने आप से नहीं बोलना है कि हम लोगों ने विस्की है बस। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये UPSC प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, GS पेपर 2 और 3 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, जानेंगे पूरा मुद्दा क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ये कहाँ पे कवर किए गए, तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी डिटेल में ये टॉपिक कवर किया गया, तो एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हुआ क्या था यहाँ पर, ये बात की जा रही है बेसिकली एक फ्लाइट यहाँ से चली थी एम्स्टर्डम से, जो कि आप लोगों को नीदरलैंड में देखने को मिलेगा, और ये फ्लाइट जो थी ये यूक्रेन के ऊपर से होती हुई यहाँ पर ये पहुंचने वाली थी मलेशिया में कुआलालंपुर, यानी कि यहां से चली थी ये फ्लाइट और पहुंचने वाली थी कुआलालंपुर, और बीच में था यहाँ पर यूक्रेन, उसके ऊपर से होकर इस फ्लाइट को जाना था, पर लेकिन इन लोगों की किस्मत जो थी वो बड़ी ही खराब थी, ये तो बेचारे एंजॉय करने के लिए यहां से निकले थे और अलग अलग देश के सारे प्राणी थे, पर लेकिन उन्हें कहते कि एक इंसान की जिंदगी में लिखा होता है कितना उसकी जिंदगी में जीना है, तो वही चीजें यहां पर निकल कर आई। तो इसमें कौन था, 38 ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, इसी के साथ में 196 जो थे वो यहां पर डच यानी कि नीदरलैंड के लोग थे, और 43 यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये मलेशिया के लोग थे।
तो ये टोटल मिलाकर इसके अंदर जो लोग थे उनकी सबकी डेथ हो गई। हुआ क्या था यहाँ पर, मिसाइल दागी गई थी यहाँ पर इस पर्टिकुलर जहाज के ऊपर। तो ये जो मिसाइल दागी गई थी उस टाइम पर, तो उस टाइम पर तो चीजें कुछ नहीं थी, चलो ठीक है, एक ऐसा कुछ हो गया मुद्दा। इसको लेकर रशिया भी, हालांकि बात करें उस टाइम पर, रशिया भी इसको लेकर गया था किसमें, ये था बेसिकली इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो रशिया भी यहां पर इसको लेकर गया था। और ये उस टाइम पर बात करें तो आर्टिकल 84 कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के थ्रू यहां पर बेसिकली इस पर्टिकुलर मुद्दे को देखा जाना था। तो रशिया और नीदरलैंड भी यहां पर दोनों मिलकर इस मुद्दे को उठाकर गए थे, हालांकि बाद में जो है रशिया ने अपना हाथ खींच लिया था इससे, क्यों वो अभी आगे मैं आप लोगों से बात करूंगा। पूरा मुद्दा आप लोगों को समझाता हूं, यहां पर डिटेल में बात करेंगे आखिर ये दुर्घटना कब घटी और आखिर यहां पर इसके ऊपर मिसाइल कब दागी गई और क्यों दागी, भाई सिचुएशन आखिर क्या थी उस टाइम पर। नवंबर 2013 की बात है यहां पर, ये जो क्रैश हुआ जब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे यूक्रेन के अंदर में, यानी कि 2013 में यूक्रेन के अंदर में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे। आप लोग बोलोगे आखिर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट यूक्रेन के अंदर क्यों चल रहे थे, उसका रीजन सीधा सीधा ये था यहाँ पर, जो यूक्रेन के अंदर उस टाइम पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो प्रो रसिया हुआ करते थे, यानी कि प्रो रसिया थे यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड था यहाँ पर, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर यूएसए हो गया, वो सारे के सारे सपोर्ट कर रहे थे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको, यानी कि वो चाह रहे थे कि यहाँ पर प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़े और रसिया का जो दबदबा है यूक्रेन के ऊपर वो थोड़ा कम हो जाए, तो उनका बेसिकली ये था। ठीक है, तो सिचुएशन देखिए जब इस तरीके की चलती रहती है तो यहाँ पर दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। रसिया हमेशा से चाहता है कि यूक्रेन जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के चपेट में आए, और इसी के चलते अभी जरा सी बात पर कि नेटो का मेंबर बनेगा यूक्रेन, इस बात पर रसिया जो है उतना गुस्सा आ गया कि उसने सब कुछ उखाड़ के रख दिया। तो समझ सकते हैं कि रसिया के मन में उस टाइम से ही ये सारी चीजें बैठी हुई थी कि कल को चलकर ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो प्रोटेस्ट यहां पर चल रहे थे यूक्रेन के अंदर में, तो इसको वेस्टर्न वर्ल्ड जो सपोर्ट कर रहा था उसके चलते यहां पर प्रेसिडेंट साहब जो है वो यहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए। उसी टाइम पर रशिया के द्वारा ये बेसिकली जो क्रीमिया वाला रीजन था ये अपने कंट्रोल में ले लिया गया रेफरेंडम करा के। तो ये पूरा माहौल उस टाइम की बातें यहां पर की जा रही है, यानी कि पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो उस टाइम पर विक्टर यहां पर इनका नाम जो था, इनका नाम था विक्टर यनकोम्स, ठीक है, तो ये इनका नाम था यहां पर जो कि उस टाइम पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई। 2014 में सिचुएशन काफी ज्यादा बढ़ गई और यहां पर ये जो प्रेसिडेंट साहब थे ये छोड़कर भाग खड़े हुए, ठीक है, तो ये सिचुएशन जो थी ये काफी खराब यहां पर हो गई और इसके चलते कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आई। यूक्रेन जो था वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी यूरोप के अंदर में, जो कि एक टाइम पर यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, जिसको सोवियत यूनियन आप लोग बोलते थे, पर लेकिन सोवियत यूनियन जो है वो टूटा और उसके बाद में 15 देश जो है वो अलग बन बनकर आ गए। उन 15 देशों में से बहुत सारे देश ऐसे हैं छोटे छोटे आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे जो कि आज की डेट में ऑलरेडी नेटो का पार्ट बन चुके हैं। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप जिसमें जितने मेंबर हैं, अगर किसी ने एक मेंबर को भी टच किया तो इसका मतलब है कि सारे मेंबर जो है एक साथ में कूद पड़ेंगे उसके ऊपर। तो यहां पर रशिया कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बने, तो इसलिए रशिया हमेशा गुस्सा हो जाता था क्योंकि एक बफर जोन था, अगर कल को नेटो का पार्ट बन गया तो पूरा नेटो जो है बड़ी ही पास में आकर बैठ जाएगा रशिया के, इस चीज को लेकर रशिया हमेशा चिंता में रहता था। यहां पर मार्च 2014 में जो ट्रूप्स हैं उनके द्वारा कंट्रोल लिया गया काफी लार्ज स्केल पर, और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन उनके द्वारा बेसिकली ये काफी बड़ी बात बोली गई कि यहां पर हम जो रशिया स्पीकिंग जो लोग हैं उनको हम लोग बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके चलते उनके द्वारा एक रेफरेंडम कंडक्ट यहां पर कराया गया। रेफरेंडम क्या होता है? जनता से डायरेक्ट पूछ लेना कि आप लोग क्या चाहते हो। तो जनता ने वोट डाली और 90% लोगों ने रशिया के फेवर में वोट डाली। हालांकि ये रेफरेंडम जो है वो काफी कॉन्ट्रोवर्सियल रहा, क्यों? क्योंकि यहां पर यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने साफ साफ बोल दिया कि ये इलीगल तरीके से कराया गया रेफरेंडम है, यहां पर एक तरीके से प्रॉपर चीजें नहीं कराई जा रही हैं। पर फिर भी जिसने जो बोला वो बोलते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं में हम लोगों ने हथिया लिया, ये रशिया ने बोला, अब तुम जो है गाने गाते रहो, गुणगान करते रहो, तुम पंचायतें बिठाते रहो, हमको कोई फर्क इससे नहीं पड़ रहा है। तो रशिया अपना क्रीमिया हड़प के बैठ गया। अब रशिया ने क्रीमिया भटक गया, पर लेकिन जिस टाइम पर रशिया ने क्रीमिया भटका उसी टाइम पर यहां पर दोनस्तक और जो लुहांस्क वाला रीजन है जो कि रिसेंटली अभी रशिया ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए थे, ये दो रीजन भी उस टाइम पर यहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोग बोल सकते हैं कि एक साइड में हो गए थे यूक्रेन से और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके थे। यानी कि ये वो रीजन है जो कि उस टाइम पर ही अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके थे और ये चाहते थे कि यहां पर किसी भी तरीके से यहां पर यूक्रेन के साथ में न रहे। रीजन, यहां पर प्रो रशियन लोग रहते हैं और यहां पर आज की डेट में भी बिल्कुल ये आसानी से यहां पर रशिया के अंदर जा सकते हैं, इनको पनाह मिली हुई है कि रशिया में जाकर आप लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं, रशिया में इंजॉय आप लोग अपनी लाइफ को कर सकते हैं, ये रशिया इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, तो ऐसा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। ये जो एरिया है ये काफी इंपोर्टेंट है, यहां पर सी ऑफ एजोव आप लोग यहां पर देख रहे हैं और यहां पर क्रेच स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा सी ऑफ एजोव को ब्लैक सी के साथ में कनेक्ट करता है क्रेच स्टेट, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है।
इसको आप लोग बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन की तरीके से देख सकते हैं। तो माहौल क्या बन गया, यहां तक आप लोगों को सारी कहानी समझ में आ रही है कि कैसे कैसे यहां पर चीजें हुई। प्रोटेस्ट जो था वो यहां पर लोगों के द्वारा इसलिए किया जाता क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूरोपियन के जो एक तरीके से कंट्री है वो सपोर्ट कर रहे थे ताकि यूक्रेन के अंदर जो गवर्नमेंट है जो कि रशिया को सपोर्ट करने वाली है वो चली जाए वहां पर। और वह भी ऐसा ही यहां पर अभी फिलहाल जो प्रेसिडेंट बने बैठे हैं वो आज के डेट में जो लड़ रहे हैं रशिया के साथ में वो यूरोप बेसिकली यूरोप और यूएसए के सपोर्ट में बेसिकली उनकी सपोर्ट से काम कर रहे हैं और नेटो का पार्ट बनना चाहते थे, उनकी इच्छा भी थी। जैसे अभी आप लोगों ने देखी बहुत सारी इशू यहां पर जो कि निकल कर इस मुद्दे से आ रही थी। तो यहां पर जैसे मैंने बताया यहां पर दोनतास जो यहां पर इसी के साथ में लुहांस्क ये जो रीजन थे ये सेपरेटिस्ट तो ये भी अपने आप को रेफरेंडम करके डिक्लेयर इंडिपेंडेंट कर रहे थे, इनके द्वारा भी यहां पर उस टाइम पर ये काम किया गया। तो यूक्रेन की जो फोर्स है यहां पर ये काफी लार्ज स्केल पर यहां पर आ गई और इसके चलते लगभग 15,000 के करीब लोगों की जान भी गई। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कंडीशन समझ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कहानी खराब चल रही थी यूक्रेन के अंदर, दोनों तरफ से बम्बार्डमेंट चल रही थी और यहां पर कहानी जो थी वो काफी ज्यादा दिक्कत में थी। तो उसी टाइम पर यहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी मौत को यहां पर लेकर आगे, यहां पर ये जो मलेशिया का जो ये पर्टिकुलर जो आप लोगों ने देखा यहां पर तो यहां से चला था यहां पर ये नीदरलैंड से एम्स्टर्डम से और यहां पर ये बेसिकली पर्टिकुलर जो रीजन यहां पर यूक्रेन के अंदर में यहां पर जाकर लगभग 4:20 के करीब यहां पर इसके हवाई जहाज के ऊपर मिसाइल डाल दी गई। देखिए उस टाइम पर लोगों के अंदर डर रहता है पता नहीं कौन जहाज जा रहा है कौन बम गिरा दे, तो यहां पर इसके ऊपर मिसाइल डाल दी गई। तो ये जो यहां पर ये जो फ्लाइट थी ये मलेशिया की फ्लाइट थी MH17, तो इसके ऊपर मिसाइल डाली गई और कई सारे जो बेसिकली सारे के सारे जो लोग थे उनकी कहानी जो थी वो कंप्लीटली खत्म हो गई। हालांकि आगे चलकर चीजें जो थी वो ठीक है नॉर्मल हुई, कुछ यहां पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो वो अब तक भी चलता रहा और यूक्रेन जो था वो कंट्रोल में आ गया, पर लेकिन इन लोगों की जान चली गई यहां पर और ये मुद्दा जो था वो तब से चला हुआ आ रहा था। तो अभी रिसेंटली यहां पर इसी मुद्दे को उठाया कि जो ये लोगों की इतनी जान यहां पर गई थी तो उसी के चलते यहां पर इसमें कई सारे ऑस्ट्रेलिया के थे और कई सारे नीदरलैंड के लोग थे, तो इन दोनों के द्वारा बोला गया कि लीगल एक्शन लिया जाएगा रशिया के खिलाफ। आप लोग बोलोगे रशिया के खिलाफ क्यों लोगे, वो तो उस यूक्रेन के रीजन में दागी गई थी, रशिया का इसमें क्या हाथ है? तो इसी के बारे में अब आगे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। इनके द्वारा यहां पर प्रॉपर एक रिसर्च स्टडी कराई गई यहां पर और रिसर्च स्टडी कराने के बाद में इनको ये पता चला कि वो जो मिसाइल दागी गई थी MH17 के ऊपर वो मिसाइल दागी गई थी यहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल थी और वो एक रशियन मिसाइल थी। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके द्वारा वो मिसाइल दागी गई थी वो एग्रीकल्चर फील्ड में था, यूक्रेन के अंदर आकर घुस गया था यानी कि रशिया से आया यूक्रेन के अंदर आकर घुस गया और फिर उसको मिसाइल को दाग कर वो वापस चला गया। तो यानी कि एक तरीके से ये कंफर्म हो गया कि वो रशिया का था यहां पर जिसके द्वारा वो मिसाइल दागी गई थी। तो यानी कि ये सारे के सारे जो लोग यहां पर जिनकी डेथ हुई थी उसमें रशिया के व्हीकल के द्वारा मिसाइल दागी गई थी, ये बातें बोलेगी। अब यहां पर जो चार्ज रशिया के ऊपर लगाया जा रहा है वो किसकी तरफ से लगाया जा रहा है, तो यहां पर बात की जा रही है शिकागो कन्वेंशन। तो शिकागो कन्वेंशन देखते हैं अगर कोई ऐसी हरकतें यहां पर होती है तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं कन्वेंशन और इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में शिकागो कन्वेंशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो शिकागो कहां पर है ये आप लोग बताइए, ये छोटी छोटी बातें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मिसाइल जानी ये मिसाइल नहीं सॉरी ये जहाज जाना था यहां पर जाना था बेचारों को इन सारे लोगों को, पर लेकिन इनकी जो आत्मा है वो वहीं पर ही एक तरह से परमात्मा में लीन हो गई और ये काफी बड़ी एक दुर्घटना आप लोग बोल सकते हैं, यहां तक इनकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाई। ये यहां से आते हुए फिर पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान के ऊपर से होते हुए यहां से ये जाते, पर लेकिन आगे की जर्नी इनकी हो ही नहीं पाई कंप्लीट, तो ये दिक्कत यहां पर देखने को मिली। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो याद रखिएगा ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश की गई थी यहां पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। और यहां पर ये बेसिकली क्या क्या काम करती है, अगर कोई रूल है बेसिकली एयरवेज अगर बात करें एयर स्पेस को कैसे लेकर चलना है, ठीक है, एयरक्राफ्ट का जो सॉरी खांसी कई बार रोकने की कोशिश करता हूं मैंने कहा है ना पर लेकिन हो जाता है काम। तो यहां पर रूल ऑफ अगर बात करें रूल ऑफ एयर स्पेस इसी के साथ में एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी या सस्टेनेबल या फिर डिटेल जो भी है यहां पर जो भी सिग्नेटरी है उसके, तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इसका एक तरीके से जो प्रोविजन है एक तरीके टैक्सेशन से रिलेटेड भी, ठीक है, और यहां पर 7 December 1944 में 52 स्टेट्स के द्वारा इसको यहां पर साइन किया गया जिसमें इंक्लूडेड इंडिया भी था, तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसका, तो इसलिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैंने पूरा आप लोगों को मुद्दा बता दिया क्यों ये काम कर रहे हैं क्यों यहाँ क्या चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पर सारे मैंने मैप्स भी थोड़े थोड़े डाल दिए ताकि अगर इन कंट्री के बारे में आप लोगों को देखना हो तो ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे लोग थे यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ठीक है, इसी के साथ में नीदरलैंड के थे कैपिटल हो गई एम्स्टर्डम, और इसी के साथ में यहाँ पर जो ये रशिया के बारे में बात करी तो यहाँ तो बोलने वाली बात ही नहीं है, एक जो ऐसा इंसान है जो कि बुढ़ापे में ऐसी लड़ाइयां लड़ रहा है जिस किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लोग जो होते हैं बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा को जाते हैं
और ये भाई साहब जो है बुढ़ापे में लोगों को बेसिकली एज देख कर लगता है आप लोग अच्छा एक बात और आप लोग यहाँ पर चलो सोचो कि एज कितनी होगी पुतिन की, ठीक है एक बार एक्सपेक्टेशन करो कि हाँ इतनी एज का प्राणी हो गई, मतलब 60 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, 80 से ऊपर है, मतलब आप लोगों की ब्रैकेट क्या होगा अगर इसकी एज के बारे में आप लोगों से बात करूं, बिना सर्च करे हुए एक बार देखना और फिर अपना देखना आप लोगों का आंसर क्या है, ठीक है आप लोग बेसिकली सरप्राइज हो जाओगे अगर इसकी एज देखोगे तो इंसान की। चलिए जो भी है तो ये थी कंप्लीट आर्टिकल जिसमें मैंने तीन चीजें आप लोगों की कवर की, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज की ओर। यहां पर ये जो इंपोर्टेंट न्यूज आप लोगों की निकल कर आ रही है ये है बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज है, तो एस साइंस और टेक्नोलॉजी के न्यूज को आप लोग यहां पर इसको अपने साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई न्यूज पूछे तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये न्यूज काफी डिटेल में पीआईबी के अंदर कवर की गई, अब उतनी ही डिटेल में मैं आप लोगों को यहां पर इस न्यूज के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है तो इसके बारे में देखते हैं पूरा डिटेल में अच्छे से, बैकग्राउंड कई सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट यहां पर कर पाएंगे। यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो है नितिन गडकरी जी, और शानदार परफॉर्मेंस इस इंसान के द्वारा दी गई है अपने टेन्योर में, चाहे 2014 से लेकर 19 तक की बात करें और चाहे 19 से लेकर अब तक की बात करें, काफी एक डेडिकेटेड पर्सन, एक जेन्युइन इंसान आप लोग बोल सकते हैं, बहुत ही दिल लगाकर काम करने वाले पर्सन, पर्सनली जो इनके बारे में जितना मुझे पता है जितना मैंने पढ़ा इनके बारे में, मतलब एक पढ़ा लिखा एक सही इंसान नहीं कहते हैं जो सही तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइज करता है, वो वाली बेसिकली फीलिंग आप लोग इनसे ले सकते हैं। तो यहां पर अगर बात की जा रही है यहां पर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है तो इसके चलते कई सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर अभी हमारी कंट्री में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया एक पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है पहले क्या एक बार चेक कर देख लेते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, छोटे से एरिया में इंप्लीमेंट कर फिर आगे चलेंगे। तो ये हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल, ये हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन का यूज किया जाने वाला, तो समझेंगे पूरा। तो यहां पर टोयोटा मायरा ये FCEV करके है यहां पर, इसके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। पहले आप लोग समझिए आज के डे मार्केट में कौन कौन से व्हीकल अवेलेबल है। सबसे पहले तो आप लोग यहां पर ये देखने को मिलेगा कि पेट्रोल और डीजल के व्हीकल आप लोग यहां पर नजर आ जाएंगे, इनकी जो बेसिकली कॉस्ट है वो यहां पर ज्यादा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है और इनको रिफ्यूल करने में अगर एक बार खत्म हो जाते हैं 2 से 3 मिनट लगता है कि पूरा टैंक फिल हो गया, ठीक है तो आप लोगों को ये टाइम देखने को मिलेगा पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल में। फिर यहां पर इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल आ गए, अब इनके अंदर तो बैटरी रहती है, इनको चार्ज होने में पूरा टाइम लगता है, ठीक है 30 मिनट से लेकर 12 घंटे तक यहां पर इनको चार्ज होने में टाइम लगता है, और एक बार चार्ज होने के बाद में यहां पर ये लगभग 160 से लेकर 500 किलोमीटर तक चलते हैं, और यहां पर जो ये पेट्रोल डीजल वाले ये 450 से लेकर 600 किलोमीटर तक चलते हैं, ठीक है अब बात करते हैं हाइड्रोजन वाले। हाइड्रोजन जो यहां पर ये सेल वाले जो व्हीकल हैं इनको भी फ्यूल होने में 3 से लेकर 4 मिनट लगेगी ओनली, और ये भी एक बार में भरने के बाद में 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक जाएंगे, पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर ये कि सबसे ज्यादा कॉस्टली आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा महंगे हैं हाइड्रोजन वाले, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक वाले और तीसरे नंबर पर है पेट्रोल और डीजल वाले, यानी कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सबसे सस्ते आप लोगों को देखने को मिलेंगे पेट्रोल और डीजल वाले जो है यहां पर, ये बातें यहां पर बोली गई इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक तो ये ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में काफी डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, और बाकी अगर आप लोग मैकेनिक्स ही बनना चाहते हैं कि हम लोगों तो मिलेगी एक मैकेनिकल या मैकेनिकल क्या बोला जाए बेसिकली आप लोग एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है अगर आप लोगों को मैकेनिक्स बनना है तो बिल्कुल इसके बारे में मैंने बता दिया है कि कहां कहां पर इसमें फ्यूल स्टैक आप लोगों को देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन टैंक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, फिर यहां से ये चीजें होंगी तो इलेक्ट्रिक मोटर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो पूरा बता दिया है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग इस फील्ड में घुसना है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं आप लोग देखते हैं, ठीक है बात करें यहां पर टोयोटा की जो ये कंपनी है इसके द्वारा यहां पर बेसिकली काम किया जा रहा है मिलकर इंटरनेशनल सेल फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ में, ठीक है तो ये जो टोयोटा की कंपनी है जिसका पूरा नाम है यहां पर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड, ये काम कर रही है ICAT यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक जो टेक्नोलॉजी है, रटना नहीं है जो मेन चीज है वो है हाइड्रोजन वाला सिस्टम, वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ये जो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस भी फैलाएगा कि हाँ ऐसा भी काम किया जा सकता है, हाइड्रोजन के ऊपर भी यहां पर व्हीकल बनाया जा सकता है, तो शानदार तरीका व्हीकल यहां पर ये निकाल कर लेकर आए, तो ये आप लोग समझिएगा। इसके साथ में अगर बात करें ये बोला जा रहा है कि ये एक विजन है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, यानी कि उनके द्वारा सोचा गया था कि ऐसा कुछ हम लोग काम करें ताकि अपनी कंट्री में हम लोग अपना सारा सामान बनाएं और दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट न रहना पड़े। सोचो अगर हाइड्रोजन के ऊपर प्रॉपर वे में हम लोगों ने अपने जो गाड़ियां हैं उनको चलाना स्टार्ट कर दिया तो कल को चलकर जो 85% हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं क्रूड तेल, कच्चा तेल, ठीक है जिससे पेट्रोल डीजल हम लोग ये सारी चीजें निकालते हैं वो खरीदना ही नहीं पड़ेगा, तो इतना सारा दुनिया भर का पैसा जो हम लोग बाहर फेंकते हैं ले जाकर वो कहीं ना कहीं हम लोग बचा पाएंगे, उसको अपनी कंट्री में डेवलपमेंट में यूज कर पाएंगे, तो ये बहुत ही बड़ी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर टोयोटा जो है वो यहाँ पर काम कर रही है एक प्रमोट करने में सस्टेनेबल चीजों को, और इसके चलते जो फॉसिल फ्यूल से हम लोग दूर हटेंगे और इन्वायरमेंट के चलते जो हम लोग का टारगेट है 2070 तक का कार्बन फ्री हम लोगों ने बनाने की बात की ना, तो वो कार्बन फ्री भी हम लोग चीजों को बना पाएंगे। तो इसी चलते हाइड्रोजन का काफी ज्यादा यूज यहाँ पर किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर एक सिस्टम हो जाता है जिसका यूज कर सकते हैं हम लोग। पर लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में बात करें, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को हाइड्रोजन अगर निकालना है तो यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन, और ग्रीन हाइड्रोजन जो आप लोग बनाते हो वो बनाते हो पानी से, तो उसको निकालने का जो प्रोसीजर है वो कोई ज्यादा आसान नहीं है, थोड़ा सा मेहनत भी आप लोग करनी पड़ेगी, तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी दिक्कतें आ रही है। नई नई टेक्नोलॉजी है, कोई भी काम नया नया अगर स्टार्ट करते हो तो दिक्कतें आनी लाजमी है, तो इसी के चलते अभी यहाँ पर और भी कुछ मुद्दे हैं। एम तो सीधा सीधा यही है कि कार्बन की जो क्वांटिटी है उसको यहाँ से खत्म किया जाए और प्रॉपर वे में चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर चला जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पावर किया जाएगा बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा, जो कि की टेक्नोलॉजी ऑप्शन है यहाँ पर आज के में फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर हाइड्रोजन यूज करना स्टार्ट कर दिया तो ये सबसे शानदार रहेगा, अवेलेबल भी है पानी हर जगह, उस पानी को कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और सही तरीके से चीजों को निकाला जा सकता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पर ये सिस्टम पूरा लगाएंगे तो यहाँ पर ये डीजल और इसी के साथ में जो इलेक्ट्रिक वाले से महंगा पड़ेगा। अब यहाँ पर जो सिंबल बनाओ ना, याद रखिएगा ये यूरो का सिंबल है, यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, कंफ्यूज मत हो जाना, ब्रिटेन की आप लोगों को पाउंड देखने को मिलेगी और अपनी कंट्री की तो आप लोगों को पता ही है ये अपनी प्यारी करेंसी है, और यूएसए का आप लोगों को डॉलर देखने को मिलेगा, तो इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मोटी मोटी बातें मैं आप लोगों से करूं यहाँ पर, तो जितना महंगा यहाँ पर कोई सिस्टम लग रहा है, सोचो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 50 लाख की कार आप लोगों को लेनी है, ठीक है, या फिर 1 करोड़ की कार आप लोगों को लेनी है, तो यहाँ पर काफी महंगी पड़ जाएगी। पर लेकिन गवर्नमेंट अगर ले ले यहाँ पर 1 करोड़ की बस और उस बस को चलाए यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए, तो उसके लिए तो कोई टफ काम नहीं है यहाँ पर ये। तो इसी तरीके से बोला गया कि बड़ी बड़ी कार, बसेस, ट्रक, शिप, ट्रेन और यहाँ पर जो एक लॉन्ग मीडियम की डिस्टेंस पर चलने वाले जो व्हीकल है उनके अंदर इसको यूज किया जा सकता है। पर्सनल के लिए अभी थोड़ी महंगी है अगर इसको हम लोग लेकर चले तो यानी कि वहां पर जहां पर जरूरी है वहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर काफी अच्छे से यूटिलाइज की जा सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। आप लोग क्या रहे इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। फ्यूल सेल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहाँ पर, अगर उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक तरह का हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, यानी कि हाइब्रिड का क्या मतलब आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, फ्यूल भी है और सेल भी है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि फ्यूल पर भी चलेगा और सेल पर भी चलेगा, दोनों का काम यहाँ पर करेगा। जैसे आज के डेट में अगर आप लोग गाड़ी के अंदर सीएनजी लगवाते हैं, ठीक है, तो सीएनजी जब तक आप लोग यूज करें सीएनजी पर चलेगी वो, और जैसे आप लोगों ने सीएनजी एक खत्म हो गई आप लोगों की, तो ट्रक जो है वो पेट्रोल पर आ जाएगी आप लोगों की गाड़ी, तो इस पैटर्न में आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि दोनों चीजों को आप लोग यूज इसको कर रहे हैं, ठीक है। सोचो अगर बैटरी भी हो तो यहाँ पर और अच्छा मजा आ जाए उसके अंदर में, तो बैटरी पर लगा लो उसको, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो इसका निकल कर आएगा उसमें अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जैसे हाइड्रोजन आप लोग जलाओगे ना तो उसमें जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें वो ना के बराबर निकलेगी, ठीक है। तो इसमें एडवांस बैटरी वगैरह भी यूज हो जाएगी, वो तो एक अलग बात है, पर लेकिन अगर आप लोग पेट्रोल डीजल को जलाते हो तो उसके अंदर से आप लोगों को क्या निकलता है, धुआं निकलता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पर लेकिन अगर आप लोग हाइड्रोजन को जलाओगे यहां पर ऑक्सीजन के साथ में मिक्स कर यहां पर, इसके चलते आप लोगों का जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा पानी, यानी कि वाटर निकलेगा पीछे से, और पानी मुझे तो लगता नहीं है कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, आप लोग लगता है पानी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। फ्यूल सेल जो है वो जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी जिसको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसर के थ्रू यूज किया जाएगा। पूरा सिस्टम जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था यहाँ पर, ये अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, मैकेनिक्स बनना चाहते हैं, तो ये पूरा सिस्टम मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बोला गया कि यहाँ पर एक तरीके से जो ये इस तरीके से अगर जो चीजें हैं, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये फिक्स हो जाएंगी, कोई मूवेबल चीज नहीं यहाँ पर, अगर कोई मूवेबल चीज होती है इनके हिलने डुलने वाली तो दिक्कत क्रिएट करती है, तो इनकी एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी वो ज्यादा है, लंबे समय तक टिकने वाली चीजें हैं ये। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से एक बार आ गई तो टिकी रहेगी, यानी कि एक बार पुरानी हो गई तो उन्हें कहते हैं नई 9 दिन और पुरानी 100 दिन, वो वाला चक्कर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला गया कि स्टोर एनर्जी के बारे में बात करें यहाँ पर, इसके चलते यहाँ पर रिलाई करती है एक फ्यूल ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं जो नॉर्मल इंटरनल कंजप्शन के ऊपर, जो कंबस्शन के ऊपर डिपेंड करता है पेट्रोल और डीजल का, वो वाला सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आराम से हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है वो आप लोग यूज कर पाएंगे और पोल्यूशन भी काफी कम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट 2 स्लाइड में, हम लोग देखेंगे क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है।
तो पहले प्रोज देखेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि हर एक चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान है। जैसे मैंने बताया, वैसे तो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, आप लोग जब चाहो इसको भरो और निकल लो अपना मजे में मस्ती में घूमने के लिए सड़कों पर, ठीक है। पर लेकिन रियलिटी में क्या है, महंगी तो है ना, सस्ती नहीं है, तो यहां पर पॉकेट भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मां बाप के पैसे उड़ाने, यहां पर अपना पैसा कमाओ उसमें लगाओ इंजॉय करो जितना करना है वो समझ में आता है। पर लेकिन अगर यहां पर बोला जाए कि इतना चल रहा है जिंदगी, तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए टफ सिचुएशन हो जाती है, तो वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी यहां पर। अब सबसे बड़ी बात जो फायदा है वो ये है कि एक तो यहां पर आप लोगों को ग्रीन हाउस गैस जो है वो काफी कम क्वांटिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि हेल्थ को नुकसान नहीं है यहां पर अगर हाइड्रोजन आप लोग यूज करते हो। रीजन क्या है, वैसे भी तो यार दुनिया भर का हाइड्रोजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, एस2ओ अगर बात करें पानी, ठीक है, तो पानी में हाइड्रोजन अलग निकल गया, ये अलग निकल गया, तो नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं है। दूसरा यहां पर बात की जा रही है, ये एक तरीके से इफ प्योर हाइड्रोजन अगर यूज किया जाती है फ्यूल सेल के अंदर में, ठीक है, तो ओनली हीट और वाटर निकलेगा बाय प्रोडक्ट में, यानी कि बहुत ही ना के बराबर आप लोग ग्रीन हाउस गैस निकलेगी। इसी के साथ में एनर्जी इफिशियंट है, जरा सा हाइड्रोजन अगर यूज करोगे आप लोग लंबे समय तक काम करने वाला है, कंबस्टन पावर जो है काफी हाई देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर बैटरी के बारे में आप लोग बात करें, उनको चार्ज करने में दुनिया भर का टाइम लगता है, पर इसको आराम से आप लोग ले सकते हो यहां पर एक बार फुल टैंक करने के बाद में 300 किलोमीटर तक ये जा सकती है, ठीक है। सीएनजी वाली नॉर्मली आप लोगों ने देखी होगी 200-250-300 तक चलती है, और सेम फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि उसी पैटर्न में चीजें जो है वो आगे चल रही है, तो ये प्रोडक्टिव है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं पानी जो है बाय प्रोडक्ट यहां पर यूज किया जा रहा है, पूरा सिस्टम कुछ ऐसा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से नहीं, पानी जा रहा है तो उसमें से हाइड्रोजन एनोड और कैथोड का यूज करके उनको अलग तोड़ दिया, ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, जो हाइड्रोजन है उसको आगे निकल के ले गए, वो हाइड्रोजन टैंक में चला गया, फिर वहां से चीजें जो बैटरी चार्ज वो सब चीजें, तो पूरा एक प्रोसीजर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से काफी एक इफेक्टिव और इफिशियंट एक प्रोसीजर आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में, यानी कि दिक्कत भी होगी, सारी चीजें अच्छी अच्छी तो होती नहीं है, कुछ चीजें बुरी भी होती है, तो बुरी बुरी चीजें क्या है वो समझ लेते हैं। प्रोसीजर जो है यहां पर, ये हाइड्रोजन के लिए अगर आप लोग इसको बना रहे हो, ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जो एक तरीके से हाइड्रोजन, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे आप लोगों को मैंने समझाया था, अगर आप लोगों को याद है, अगर H2O में से आप लोगों को क्या यार, ऑल इज वेल अगर H2O में से आप लोगों को हाइड्रोजन अलग निकालना है और ऑक्सीजन अलग निकालना है, तो आप लोगों को यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो वो फॉसिल फ्यूल से बनी होती है, ठीक है, यानी कि वो कहीं से तो बनी होगी ना, वो पता चला आप लोगों ने कैसे कोयला बनाकर यूज कर रहे हो, तो वो दिक्कत होती है यहां पर, इसमें काफी लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, ठीक है। पानी भी यूज किया जाएगा, तो पानी यहां पर आप लोगों को प्योर पानी चाहिए यहां पर। हाइड्रोजन जो है वो मोर एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि कल को दिक्कत हो जाए तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है गाड़ी के अंदर में, ये आप लोग देखते हैं। तीसरा जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, वो है यहाँ पर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिडिल क्लास फैमिली तक पहुंचेगा नहीं जब तक ये सस्ता नहीं होगा, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हैं। फ्यूल जो है यहाँ पर अगर बात करें, पंप जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे उनकी दुनिया भर की कमी है। अभी हम लोग बैटरी के बारे में बात करें, उसी के लिए सिस्टम नहीं क्रिएट कर पाए, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगा। उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम आप लोगों को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जो कि और ज्यादा कॉस्टली होगा, तो उसको किस तरीके से एस्टेब्लिश करके आप लोगों को चलना है। तो दिक्कतें एक नहीं है, उन्हें कहते हैं एक अनार हजार बीमार, कुछ ऐसा एक डायलॉग मुझे याद नहीं एग्जैक्टली सर, चाहिए एक अनार चाहने वाले एक, वो मतलब चीज एक है और चाहने वाले बहुत सारे हैं, तो वाली चीजें देखने को मिलेगी। तो दुनिया भर की पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर में, तो उनके लिए कैसे सिस्टम आप लोग क्रिएट कर सकते हो, तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो ये पूरा सिस्टम है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो जो बातें हो पूछ लिया करो, बस माइंड में क्लैरिटी रखकर चलो, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, जीएस पेपर 1 और 3 के अंदर आप लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा और हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, तो दो पोर्शन आप लोग कवर हो जाएंगे। वैसे तो ये न्यूज जो है, दो न्यूज है इसके अंदर में अगर देखा जाए तो, एक तो पूरा आप लोगों को बात करूंगा ये न्यूज क्या है, और दूसरे आप लोगों को एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है। तो उनके बारे में मैं आप लोगों को कई सारी बातें यहां पर बताने वाला हूं। अभी हुआ क्या है यहां पर, अभी जो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, उनके द्वारा यहां पर MV राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम पर यहां पर एक जो वेसल है वो यहां पर निकाला गया ब्रह्मपुत्र के लिए। एक टेस्ट किया गया अच्छा खासा, 90 मीटर के लगभग काफी बड़ा, और 26 मीटर के करीब ये वाइड एक आप लोगों को नाव देखने को मिलेगी। तो ये एक नाव है जिसको यहां पर यूज किया गया, तो इसको यहां पर एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूज किया गया। इसके थ्रू यहां पर सामान पहुंचाया जा सकता है यहां पर बेसिकली कोलकाता टू गुवाहाटी, ये आप लोग समझिए। यानी कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप में दिखाना चाहूं यहां पर, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो यहां से कोलकाता से लेकर आसाम में आप लोगों को जाना होगा बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं यहां पर, तो एक अच्छे खासा तो यूज क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर को, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा, ये पर्टिकुलर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया गुवाहाटी, ठीक है। तो यहां पर ये इस पर्टिकुलर रिवर में चलने वाला अब तक का सबसे बड़ा जहाज होगा, इसलिए यहां पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर आ गया।
सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, काफी अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बात और होगी कि ये बांग्लादेश से होता हुआ जाएगा, मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर ही हो गया, अगर यहाँ पर ये जा रहा है यहाँ पर, तो ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो बांग्लादेश से होता हुआ यहाँ पर जाएगा ये, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया और बांग्लादेश की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी ये प्रोजेक्ट जो है उसका सत्यनारायण हो पाएगा, इनके वो आगे बढ़ पाएगा, श्री गणेशम बेसिकली हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हल्दिया जो डॉक है कोलकाता, यहाँ पर इसके साथ में आप लोगों को जो पादुर है पोर्ट यहाँ पर गुवाहाटी, तो वहां पर आप लोगों को देखें पांडू, बेसिकली पादू नहीं पांडू, ठीक है पांडू पादू जो भी है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कवर की गई न्यूज, तो इसके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा। ठीक है, क्या क्या मुद्दा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर मिलकर काम किया जा रहा है बांग्लादेश के साथ में, तो इंटरनेशनल रिलेशन में अगर इंडिया और बांग्लादेश के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो याद रखिएगा 80% पैसा हम देंगे और 20% बांग्लादेश, यानी कि मेनली तो हम लोग अपना सामान पहुंचाएंगे ना, अब बीच में बांग्लादेश को भी फायदा हो रहा है तो उनसे भी हम लोगों ने लिया, भाई साहब तुम भी पार्टिसिपेट कर लो। तो इसमें गवर्नमेंट देख तरीके से साइन करके एग्रीमेंट साइड में होगी, उसके बाद में दो ऑर्गेनाइजेशन को बोला चलो तुम अब काम करो, यानी कि एक तरीके से जैसे कई बार होता है कि सेना लड़ेगी बस, हाँ जो है वो राजा पीछे हट गए। तो यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री की, जो कि मैंने आप लोगों को अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाई भी थी कि नोएडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, डिटेल में पढ़ाया था ना मैंने, जब मैंने आप लोगों को नेशनल वाटरवेज के बारे में पढ़ाया था वही है यहाँ पर, ये फिर से न्यूज में आ गई है, तो इसलिए रिविजन भी आप लोगों का हो गया। ठीक है, तो ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो वाटरवेज यानी कि जो भी हमारे जलमार्ग हैं उनको कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात करती है, तो यहाँ पर इसके थ्रू काम किया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का जो एक बेसिकली विजन था कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अगर आप लोग अपने देश को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये बातें यहां पर बोलेगी। विजन जो है यहां पर बेसिकली इनका ये है कि कैसे आप लोग एक अच्छे लेवल पर चीजों को लेकर चल सकते हैं, और इसी के साथ में अपनी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, जैसे आप लोग यहां पर देखेगा नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन को कैसे हम लोग अच्छे लेवल पर कनेक्ट कर सकते हैं, जितना कनेक्टिविटी यहाँ पर होगा उतना ही डेवलपमेंट आप लोगों को यहाँ पर इस एरिया में देखने को मिलेगा। इसमें टोटल मिलाकर 7 राज्य आते हैं और प्लस 8वां इनका भाई बोला जाता है, 7 sisters + brother। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 1, आसाम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5, मणिपुर 6 और नागालैंड 7, और प्लस 8वां हो गया सिक्किम। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर जो इनके द्वारा काम किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि एनर्जाइज किया जाएगा विजन, ये बेसिकली अष्टलक्ष्मी। ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पर एक तरीके से लेकर चला जा रहा है कैसे हम लोग को नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ में लेकर आना है। ठीक है, तो अष्टलक्ष्मी जो है वो ग्रुप है यहाँ पर देवी का जो आप लोग बोलते हैं, तो उसको एक नारे के तौर पर रखा जा रहा है कैसे नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को डेवलपमेंट करना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो अगर इंपोर्टेंट यहाँ पर यह बोला गया, दिस इज नॉट ओनली चीपेस्ट, इनके सस्ता भी देखने को मिलेगा और इकोलॉजिकली भी काफी अच्छा है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जब आप लोग वाटरवेज के थ्रू जाते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने काफी इंपोर्टेंट बात बोली थी, अगर आप लोग पानी के रास्ते जाते हैं सबसे सस्ता पड़ता है, अगर रोड के रास्ते रेल के रास्ते जाते हैं तो उससे थोड़ा सा महंगा पड़ता है, अगर रोड के रास्ते जाते हैं थोड़ा सा और महंगा पड़ता है, और अगर एयरवेज के रास्ते जाते हैं तो थोड़ा सा और महंगा पड़ता है। इनके यहां से महंगाई आप लोगों की बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, पानी सबसे सस्ता, रेल उससे महंगा, रोड उससे महंगा, और एयरवेज जो है वो सबसे महंगा, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के साथ में अगर पानी के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं तो ये काफी अच्छा रहेगा, एक शांति में हम लोग एक अच्छी चीजें स्टेब्लिश कर पाएंगे। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है अगर कनेक्ट हो रही है तो बांग्लादेश के थ्रू होता हुआ नॉर्थ ईस्ट का भी डेवलपमेंट आप लोगों को नजर आएगा। तो ये बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोगों से बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल साहब। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री के स्वतंत्रता सेनानी थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में। ये बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में यहां पर इनके द्वारा आखिरी सांसें अपनी ली गई, क्या क्या इनके द्वारा काम किए गए वो हम लोग समझते हैं। देखिए, इनसे ना आप लोग मोटिवेशन ले सकते हैं ऐसी पर्सनैलिटी से, अपनी कितनी यंग एज में ये क्या क्या करके चले गए आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उससे आप लोग समझ पाएंगे। सोचिए यहां पर 30 साल की उम्र में यहां पर बेसिकली इनके द्वारा अपनी आंखें सांसें ली गई। ठीक है, 30 साल की उम्र में, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर लोग जो है आज के डेट में 30 साल तक भी माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट हम लोग रहते हैं और आज की डेट में माँ बाप हमको पालते रहते हैं और ये उस टाइम पर यहाँ पर देश के लिए खेल कर चले गए अपनी जिंदगी को। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कितना अभी आज के डेट में अगर यंग जनरेशन के बारे में बात करें, मुझे ये लगता है कि जैसे ही आज के डेट में ना जैसे बच्चे का 12th होती है या फिर मैक्सिमम ग्रेजुएशन अगर होती है तो कुछ ना कुछ उसको करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे कि ट्यूशन वगैरह ही पढ़ाना स्टार्ट कर दो, कम से कम अपना खुद का पॉकेट मनी कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए। उन्हें कहते हैं जेब का खर्चा कम से कम निकलता रहे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है इंसान के अंदर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कई सारे लोग ये काम करते भी हैं। ठीक है, तो इससे क्या रहता है, आप लोग कम से कम एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है और एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी आने लगती है, घर वालों से पैसा लेना बंद कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज होती है। ठीक है, आगे बात करें यहां पर तो इनके द्वारा काफी कुछ काम किया गया। सबसे बड़ी बात तब हुई जब यहां पर भाई परमानंद जी थे, यहां पर एक काफी इंपोर्टेंट लीडर थे, उनको डेथ सेंटेंस दे दिया अंग्रेजों के द्वारा।
ठीक है। तो ये एक इंडियन नेशनलिस्ट और आर्य समाज के मिशनरी थे, यानी कि बिना बात को उठाकर लोगों को जेल में डाल देना, उनको फांसी दे देना, ये ऐसी हरकतें अंग्रेजों के द्वारा कई बार की जाती थी। तो इसके चलते इनको लग गया यार ऐसे काम नहीं चलेगा, तो इनके द्वारा यहां पर काफी कुछ यहां पर एक तरीके से बातें बोलेगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इनको यह समझ में आ गया कि गांधी जी का जो नॉन वायलेंस है वो यहां पर काम नहीं करने वाला है, हमारा डंडा काम करेगा, हमारी बंदूकें काम करेंगे और लाठी काम करेगी। तो ये बातें इनको समझ में आ गई। तो यहां पर अगर बात करें, अकेले नहीं थे यहां पर, और भी कई सारे लोग आप लोगों को देखने को मिले। इनके द्वारा एक पोयम भी थी जिसका नाम था यहां पर मेरा जन्म, ठीक है। तो यहां पर मेरा जन्म, तो इनके द्वारा ये पोयम थी काफी फेमस देखने को मिली, जिसके चलते यहां पर इनको लोगों के अंदर जोश भरने का काम इस पोयम के थ्रू किया गया। आगे अगर बात करें यहां पर, इनके द्वारा फॉर्म की गई यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आप लोग याद रखते हैं, इसका नाम था यहां पर मैत्रीवेदी, ठीक है। तो यहां पर मैत्रीवेदी या मैत्रीवेदी आप लोग बोल सकते हैं, ये इनके साथे मिलकर, जिनका नाम था यहां पर गंदालाल दीक्षित, ठीक है। तो इनके साथे मिलकर जो कि एक स्किल टीचर थे, काम किया गया ताकि जो यंग स्टूडेंट्स हैं यहां पर उनके अंदर जोश भरा जा सके। इसी के चलते यहां पर इनके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन भी मिलाएगी मिलकर यहां पर, जिसको HRA बोलते हैं आप लोग यहां पर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, आगे चलकर इसका नाम HSRA हो गया। तो आप लोग बता सकते हैं कि वो नाम किसके द्वारा चेंज किया गया था और यहां पर बेसिकली उसकी फुल फॉर्म क्या थी। 1924 में इसको यहां पर बनाया गया और ये बेसिकली ड्राफ्ट जो थे यहां पर वो बिस्मिल साहब के द्वारा यहां पर इसका तैयार किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये HRA का जो ड्राफ्ट मतलब जैसे संविधान का ड्राफ्ट जो था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा तैयार किया गया था, उस तरीके से आप लोग इसको बेसिकली समझ सकते हैं। इसमें यहां पर मणिपुरी कॉन्स्पिरेसी जो मणिपुरी जो यहां पर बेसिक मणिपुरी नहीं सॉरी मेनपुरी कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी यहां पर 1918 में यहां पर, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे यहां पर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक फैक्ट इनके बारे में। बाकी इनके द्वारा यहां पर पब्लिश किया गया एक पंपलेट, ठीक है, इसमें बेसिकली देशवासियों के द्वारा इनके द्वारा यहां पर बात किया गया देशवासियों के नाम, ठीक है। इसमें क्या थे यहां पर, ये बेसिकली देशवासियों के अंदर जुनून भर रहे थे, जिसमें यहां पर बेसिकली मैनपुरी की प्रतिज्ञा करके चीजों को सपोर्ट किया गया ताकि आने वाले टाइम में लोग जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ उठकर खड़े हो जाए। 1925 में यहां पर बिस्मिल और इसी के साथ में चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खान जी के द्वारा काकोरी इंसिडेंट को यहां पर अंजाम पहुंचाया गया, जिसमें इनके द्वारा ट्रेन लूटी गई, क्योंकि कोई भी काम आप लोग करना है उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। छोटे से छोटा काम भी, आज के में अगर कोई भीख भी मांगेगा सड़क पर बैठकर तो कटोरा भी खरीद कर लेकर आएगा, तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, छोटी से छोटी चीज भी अगर आप लोग कुछ स्टार्ट करनी है तो उसमें यहां पर इंसान को पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब सोचो इनको बंदूकें खरीदनी है, ठीक है, जितने लोग हैं उनको सबको खाना पीना भी देना है, कपड़े वगैरह भी देने हैं, उनके रखने की जगह होनी चाहिए, तो सारा काम कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा ना। अब इतना तो है नहीं कि पैसे यहां पर इतने बड़े अमीर खानदान के लोग थे सारे, ठीक है। तो इसलिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी यहां पर निकल कर आई, जिसके चलते केस भी चला यहां पर और सारी टीम इनकी पकड़ी गई वहां पर। कोई ना कोई होगा जिसने बाद में एक तरीके जो दलाल टाइप के होते हैं लोगों के सामने, मतलब पुलिस के सामने जाकर मुंह खोल देते हैं, तो उनके द्वारा बिस्मिल इसी के साथ में यहां पर लाहिरी खान कई सारी और पर्सनैलिटी ठाकुर रोशन सब पकड़े गए और सबको फांसी की सजा सुना दी गई। तो ये हरकतें यहां पर देखने को मिली, इनके यहां पर सारे जो है वो यहां पर एक तरीके से जान गवा बैठे। 1921 में जब 3-4 साल पहले यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अहमदाबाद सेशन था, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आप लोग लिए, यहां पर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और इसी के साथ में गोरखपुर सेंट्रल जेल है उसमें बिस्मिल साहब जो यहां पर रहे और हंगर स्ट्राइक की गई। ये चाहते थे कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके ढंग से ट्रीट किया जाए, यानी कि उनके उनके साथ में ढंग का व्यवहार किया जाए। लखनऊ के अंदर सेंट्रल जेल के अंदर भी बंद रहे और मेरा रंग दे बसंती जो चोला है ये जो गाना है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, जो कि हिंदी लिटरेचर के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर मेरा रंग दे बसंती चोला जो गाना भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये थे ये महान पर्सनैलिटी। तो ये एक अलग से टॉपिक हो गया आप लोगों का जिसमें आप लोग यहां पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक चीजों को अच्छे से देखेगा और फीडबैक जरूर दिया करो अगर आप लोगों को लगता है कि चीजें सही है तो, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन जो पूछता हूं उनके आंसर भी दे सकते हो अच्छे से, ओके। तो एक मोटिवेशनल कोट देखी हम लोगों ने, इसी के साथ में अगेन आप लोगों को हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एंजॉय करना और होली का दहन भी अच्छे से देखना अपना करना, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर पहले यूक्रेन का इशू मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा कि यूक्रेन का प्रेजेंट इशू क्या है यहां पर, उसके बारे में आप लोगों से बातें की। ये जो यहां पर पैसेंजर की फ्लाइट है जिसमें 298 पैसेंजर की जान चली गई थी, ठीक है, अभी यहां पर कौन कंट्री क्या कर रही है वो पूरा मुद्दा मैंने आप लोगों को समझाया, कहां से चलने वाली थी क्या मुद्दा बना वो सारी बातें समझी, और इसी के साथ में यूक्रेन का क्रीमिया कैसे हड़पा गया वो बताया, और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, हाइड्रोजन फ्यूल की कैसे चलती है गाड़ियां वो सारी बातें मैंने की, और अभी क्या नया सिस्टम लाया जा रहा है, तो एक एक पॉइंट जो है मैंने क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को बताया, ठीक है, तो काफी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने बात की यहां पर एक ब्रह्मपुत्र रिवर उसके ऊपर जो जहाज चलाया जा रहा है उसके बारे में, और रामप्रसाद बिस्मिल साहब के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आप लोगों को दी, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा लेक्चर, बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों के तो इनको आप लोग देख लेना एक बार पॉज करके, वीडियो वैसे भी लेट हो चुका है, तो इसके चलते एक्सट्रीमली सॉरी यार,
थोड़ा सा कई बार काम पड़ जाता है, पर लेकिन हाँ लेक्चर आएगा ये मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, और टेलीग्राम पर मैंने इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दे दी थी, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ हमेशा कि टेलीग्राम जो है आप लोग ज्वाइन करे रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऐसी कोई बातें होती है मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, और एक वीडियो भी मैंने बनाई है कि यूपीएससी में किस एज में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर, ये खुद यूपीएससी की रिपोर्ट में चीजें प्रस्तुत की गई हैं, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लेना, और कल का जो बेसिकली ये क्विज है इसको पोस्ट कर लेना एक बार, ठीक है। और इसके आंसर अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये इसके आंसर होंगे, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना अपने आप खुद से, तो यहाँ पर सारे आंसर भी मैंने आप लोगों को बता दिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करना। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, और हाँ अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।